हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या चाल है? सब कुछ बढ़िया है? पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ कवर करते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे रिव्यूज़ डालते हैं और गपशप भी बहुत लगाते हैं और पॉजिटिव स्पिरिट के साथ खुशी खुशी सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। वो बहुत बड़ा रीज़न है आज के ज़माने के नेगेटिव दुनिया के अंदर। तो देखो, हुलू एक प्लेटफॉर्म है जो कि पेड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी वेब सीरीज़ मूवीज़ दिखती हैं। अब हॉटस्टार पर भी इसका काफ़ी सारा कॉन्टेंट आने लग गया। आज एक सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसका नाम है सेंट एक्स। ये एक साइकोलॉजिकल लिमिटेड सीरीज है, इसका अंत हो चुका है और एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है। और क्या ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप और ये मिस्ट्री थ्रिलर्स, मर्डर इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर्स इस टाइप के आ चुके हैं। तो क्या आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? तो बेसिकली दो टाइमलाइन के अंदर चलती है स्टोरी। एलिसन की एक यंग वूमन है जो कि मिस हो जाती है, कहीं चली जाती है, और क्यों मिस हो जाती है, कैसे हो जाता है, एक वोकेशन के अंदर जो कि सेंट एक्स नाम की जगह, एक फिक्शनल जगह कैरेबियन के अंदर बनाई गई है। अब जो उसकी डिसअपीयरेंस है, वो माँ बाप के ऊपर शक डालती है कि ये अचानक से गायब कहाँ हो गई, और ये कुछ लड़कों के साथ दिखी भी थी, और ये जो लोकल लड़के थे, क्या इन्होंने तो कुछ नहीं किया। और ये जो फाइट है, ये काफ़ी सारे चेन रिएक्शन क्रिएट करती है, यहाँ तक कि ये जो टाइमलाइन है काफ़ी आगे तक चली जाती है, जहाँ पर इसकी जो बहन क्लेयर है वो भी बड़ी हो गई। तो क्या क्लेयर को फाइनली कोई आंसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या एक्चुअली में एलिसन के साथ हुआ क्या था, यही सारी जो डिसअपीयरेंस की कहानी है, धीरे 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 एक टर्टल पेस के ऊपर ये चलती रहती है। जैसे कि मैंने बोला टर्टल पेस, तो आप समझ सकते होंगे कि एक स्लो बर्नर टाइप की एक मिस्ट्री थ्रिलर है। अगर आपको इस तरीके के ट्रॉमा बेस धीरे धीरे वाले चलने वाले सीरीज पसंद है, जिसके अंदर हु इज डन इट का आपको पूरा मजा आता रहता है, हर बारी कोई ना कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, आपको शक की सुई और गिल्ट की फीलिंग इधर उधर हवा में लगती रहती है, तो फिर आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। बट ये एकदम परफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने बोला ये काफी हद तक स्लो है। दूसरा जो एंड है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। आप इसको परफेक्टली वेल मेड टाइप की सीरीज तो नहीं बोल सकते, बट ये फिर भी एक अच्छा अटेम्प्ट है जिसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, जो लोकेशंस हैं वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, आपको मजा आ जाएगा देख के, आपको हॉलीडे करने का मन करेगा। और जब बहुत खुशी होती है और एक फिर सैडनेस आ जाती है अचानक से, वो एक झटके वाली जो फीलिंग है वो भी आपको अच्छी यहां पर लगने वाली है। थॉट प्रोवोकिंग है, जो ट्रॉमा है उसको अच्छे तरीके से दिखाया गया, नहीं तो फिर सीरीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि क्यों इतना ज्यादा फाइंडिंग कर रहे हैं। जो मुझे इसके अंदर एक डाउनसाइड और भी लगी कि स्लोनेस एक अपनी जगह होती है, क्योंकि कैरेक्टर्स धीरे धीरे और ज्यादा ऐड होते रहते हैं, वो इसका एक्चुअली में थोड़ा सा डाउनसाइड भी, क्योंकि इधर उधर प्लॉट चला जाता है तो आप बोलते हो कि यार वापस ला, वो थोड़ा सा आपको लगता है। और जो मेन कैरेक्टर है क्लेयर का, जो फाइंडिंग कर रही है, उसका ये जो जज्बा है इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करना, फ्रॉम जस्ट एन ऑब्जर्वर टू गेटिंग कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन इट, वो जो जर्नी है मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा सडन टाइप ही है। वो थोड़ा सा दिखाना चाहिए था कि किस तरीके से वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाती है, प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 6.5/10। इट्स अ डिसेंट स्कोर अगर आपके पास और कुछ नहीं है देखने के लिए, और दूसरा अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर एक कॉमनर इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कॉप्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए परफेक्ट फिट बैठ सकती है। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यू के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।